जनपद में कुछ दिनों तक इसी तरह मौसम रहेगा बना। सुबह व शाम के समय रहेगा घना कोहरा व ठंड। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। जनपद में 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अच्छा कार्य करने वाले लोगों को किया जाएगा सम्मानित। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी द्वारा ओबीसी आर्मी के वेबसाइट को किया लॉन्च। चलाएगा ऑनलाइन राष्ट्रीय सदस्यता अभियान। पार्टी बनाकर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना माध्यमिक शिक्षा परिषद के ग्राउंड पर 15 दिवसीय चलने वाले मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से व्यापारियों को मिला है एक बड़ा मंच, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि 22 जनवरी एक ऐसा दिन है जिसको सभी लोग हर वर्ष मनाए त्योहार के रूप में। जीडीए टावर में दुकानों के बाहर भी किया जा रहा है अतिक्रमण। आम जनमानस के आवागमन को लेकर रही बाधित, जिसके रोकथाम के लिए दुकानदारों ने कार्रवाई हेतु की अपील। गोरखपुर जिला अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में जोड़ों में दर्द यानी ज्वाइंट कैप्सूल के मरीजों की संख्या बढ़नी हो गई शुरू। 55 वर्ष से ऊपर की महिलाओं और बुजुर्गों के अलावा कम उम्र के युवा भी जोड़ों के दर्द और कमर दर्द की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं जिला अस्पताल। गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में जिला अस्पताल प्रमुख अधीक्षक के कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया। आयोजन उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पार्चन कर दी गई श्रद्धांजलि। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के दिन गोरखपुर जिला महिला अस्पताल में जिन बच्चों का जन्म हुआ उनके माता पिता ने खुशी में अपने बच्चों का नाम रख दिया राम और सीता के नाम। मिठाई बांटकर बांटी खुशियां। बेली पार व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय कुमार मोदनवाल एवं संरक्षक ब्रह्मदेव यादव के नेतृत्व में श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन। जुलूस निकाल श्री राम के जयकारों का उद्घोष करते हुए पूरे बाजार में मिष्ठान का किया गया वितरण।